हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ फेस्टिव मेकअप लुक। तो सबसे पहले स्किन को प्रेप कर लेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ मोडी का फेस मिस्ट, बहुत ही रिफ्रेश करता है ये। उसके बाद मैंने ली है मॉइस्चराइज़र, किया है फेस क्रीम के साथ अपने फेस को, और ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की फेस क्रीम। आईब्रोज़ को डिफाइन करूँगी क्योंकि यहाँ मैं सबसे पहले अपनी आई मेकअप करने वाली हूँ, तो आईज़ को कंसील कर लूँगी, अच्छे से बेस बनाऊँगी। कंसीलर लगाया है, उसके बाद मैं इसे सेट करूँगी पाउडर के साथ। यहाँ मैं ले रही हूँ मेरी मैक की आई शेडो पैलेट, उससे मैंने एक ब्राउन शेड पिक किया है। एंड आईलिड पर मैंने वाइट शेड लगाया है, आउटर वी पर मैंने ब्लैक कलर, थोड़ा ग्रीन शेड मैंने यूज़ किया है, और ग्रीन कलर की ही मैंने ग्लिटर पिक की है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है ब्राउन के नीचे सिल्वर कलर। इसके बाद मैंने लिया है लिक्विड आईलाइनर और बहुत ही पतला सा आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मैं मस्कारा ले रही हूँ जो कि है मार्स का, एंड आई मेकअप आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो मार्स का मस्कारा अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी की आईलैशेस अप्लाई कर लिए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है। यहाँ मैं ले रही हूँ प्राइमर जो कि NYB का है, बहुत अच्छा प्राइमर है। अपने डार्क एरियाज़ को, डार्क स्पॉट्स को हाइड करूँगी मैं 303 कंसीलर के साथ, ऑरेंज करेक्टर है, और अच्छे से अप्लाई करूँगी ब्रश की हेल्प से। रेड ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी, डैब डैब करके ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं लूँगी, आज मैं बहुत ही थोड़ा सा डुई सा मेकअप लुक करने वाली हूँ, बेस बनाने वाली हूँ। तो मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की कवर स्टिक, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो इसे मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, एंड इसे भी मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है एंड कवरेज बहुत अच्छी देती है। और जैसे जैसे आपका मेकअप आपकी फेस पर टाइम लगा रहेगा, थोड़े टाइम बाद ही ये अपना असर दिखाती है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है आपका मेकअप। तो यहाँ मैंने कंसीलर लगा लिया है, इसे भी मैंने अच्छे से कर लिया है ब्लेंड। तो ये मैं अपने फेस मेकअप को सेट करूँगी, बेक करूँगी यहाँ, क्योंकि मुझे करना है आई मेकअप। तो मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ जो कि है ब्लू हेवन का, और वॉटलाइन के नीचे की तरफ मैंने पिंक का शेड अप्लाई की है क्योंकि ऊपर मेरा थोड़ा सा ग्रीन लुक भी है ग्रीन साड़ी के साथ। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर ली है आई शेडो, देन काजल लगाऊँगी। आपको अगर वाइट काजल पसंद है तो आप वाइट भी लगा सकते हैं, बट मुझे ब्लैक पसंद है। सो यहाँ पाउडर को मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी, सो यहाँ और बेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा इसी के साथ ही। ब्रॉन्जिंग करूंगी मैं शुगर की पैलेट से, ब्रॉन्जिंग पाउडर ब्रॉन्जर लूंगी मैं, और अच्छे से अप्लाई कर लूंगी जहाँ भी मुझे लगता है कि करना चाहिए। और नोज़ पर तो मैं बिल्कुल करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ब्लशर ले रही हूँ यहाँ पर मैं, ये है ब्लू हेवन शुगर की पैलेट से ब्लशर ले रही हूँ। और आप देख सकते हैं अगर आप ऊपर की तरफ लगाते हैं इस तरीके से तो आपका फेस जो है लिफ्ट करता है। अगर आपकी चबी चीक्स हैं तो आप इस तरीके से ब्लशर लगा सकते हैं, इससे आपका फेस बहुत लिफ्टेड लगता है, अच्छा लगता है। मार्स की पैलेट से मैं ये वाला पिक कलर लूँगी एज अ हाईलाइटर, बहुत ही अच्छा है ये आई शेडो पैलेट, और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो मैं हाईलाइटर यही यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट ज़्यादातर, मुझे बहुत पसंद है ये वाली आई शेडो एज अ हाईलाइटर लगाना। तो यहाँ पर मैंने फोरहेड पर भी थोड़ा अप्लाई किया है। आईब्रोज़ को एक बार फिर से मैं डिफ़ाइन करूँगी क्योंकि इतना मेकअप लगने के बाद थोड़ा बहुत आईब्रोज़ जो है वो हो जाती हैं कि आपके ऊपर पाउडर लग जाता है, फाउंडेशन लग जाता है, तो एक बार दोबारा से शेप दे देनी चाहिए। मार्स की लिप लाइनर ले रही हूँ, और आज यहाँ पर मैं थोड़ा सा न्यूड लिप्स करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर इसके बाद मैं ली है जस्ट हर्ब्स की ये मिनी लिपस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। सो मैंने ये वाली फिल की है, और आप देख सकते हैं ये न्यूड लिप कलर लिप कॉम्बो कैसा लग रहा है आपको। तो ये इसके बाद मेरे को थोड़ा सा मैंने ज्वेलरी वेयर की, बट मुझे लगा मैंने बिंदी लगानी थी, ये ग्रीन कलर की मैंने बिंदी लगाई है। तो यहाँ मैं एक बार फिर से लिपस्टिक चेंज कर रही हूँ, मोराज कॉस्मेटिक की लिपस्टिक है और इसका शेड है मरून कलर, बहुत ही प्यारा है। तो मैंने सोचा चलो ये भी डार्क कलर भी ट्राई करती हूँ। तो मुझे न्यूड लिपस्टिक से अच्छा ये वाला शेड अच्छा लगा था। आपको कौन सा अच्छा लगा, डार्क वाला या लाइट वाला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ मैंने ये डार्क वाला कलर अप्लाई कर लिया, अपनी ज्वेलरी वेयर कर लूँगी क्योंकि ये मैंने किया है फेस्टिव लुक। और जैसा कि करवा चौथ आ रहा है,
और काफ़ी लोग ग्रीन कपड़े भी पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं, रेड में ही करते हैं। तो अगर आप ग्रीन साड़ी वेयर करते हैं तो आप डेफिनेटली ये वाला लुक ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी मेकअप की वीडियो, आपको कैसा लगा मेकअप लुक? वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये जो ज्वेलरी मैंने वेयर की है ये मैंने मंगाई थी मीशो से, जो कि बहुत ही कम प्राइस की थी, ये अंडर 200 रुपीज़ में मैंने मीशो से परचेज़ की थी। तो अगर आपको करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर लाइक कर देना, एक कमेंट ज़रूर कर देना, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर से वीडियो की तरफ, दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय।